Hey guys, कैसे आप सभी? तो गैस, सबसे पहले तो मुझे बहुत जोरों की हंसी आ रही है। नीतीश कुमार अभी, अब देखो हो क्या रहा है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, ठीक है, एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम का शेड्यूल ठीक करो, ये करो वो करो, लेकिन बीच बीच में एक फुसकी बॉम्ब की तरह बिहार का भी चर्चा हो जाता है। जो भी बिहारी टीचर्स हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, जो भी बिहारी टीचर्स हैं वो बीच बीच में इसका मुद्दा उठा ही देते हैं। अब हंसी इसलिए आ रही है कि देखो, नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि भाई ये लोग तो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा है, लेकिन उनके पास अभी 4 साल है इलेक्शन आने में। 2024 में उनका इलेक्शन आएगा तो फिर देखा जाएगा, तब तक तो ये लोग भूल भी जाएंगे, बीच में अगर वो कुछ कर दिए तो फिर से उनका चांस बन जाएगा। लेकिन अगर ये लोग, बचवा लोग, इनके पीछे पड़ गया तो अब तो 1 महीना बचा हुआ है और इनका पत्ता साफ हो जाएगा अगर इस तरह का एक कैंपेन इनके खिलाफ चलने लगा। और सुगबुगाहट तो आपको पता चल ही गया होगा, सुगबुगाहट तो हो गया है कि इनके पीछे भी लग ही जाना है। अभी बस एक मैटर थोड़ा सा शांत हो, फिर दूसरा मैटर उठ जाएगा। इसी बीच इन्होंने क्या किया, देखो, सबसे पहले जो 2014 के बाद पेंडिंग पड़ा हुआ था एग्ज़ाम, और 2019 या 18 या 19 में आपका पीटी हुआ, 20 में रिजल्ट आया है, और इसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेंस का कब डेट आएगा, कब डेट आएगा। तो आज मेंस का डेट आ गया है और इतने धड़पड़ी में है भाई साहब, इन्होंने डेट के साथ ही, आप देखो, जो आपका एग्ज़ाम डेट है, जो संभावित डेट है, वो भी घोषित कर दिया है 18/10/2020, यानी अगले महीने, ठीक है। तो इनका सोच ये है कि भाई मेरे इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भाई मैं देखो तुम लोगों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, तुम लोगों के फेवर में मैं सब चीज़ कर रहा हूँ। और मुझे और ज़्यादा हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी एस्टेट वाला, जो बिहार स्टेट का है एस्टेट वाला, उसका डेट आया है, और जहाँ तक मैंने देखा है आज 3 तारीख हुआ, उसका शायद 9 या 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। मतलब देखो, इतना रैपिड आज तक किसी ने भी किसी एग्जाम को लेकर इतना रैपिडिटी नहीं दिखाया था जो आज आपको देखने को मिल रहा है। तो बिहार एससी वाले, सुबह तो मैं बोल ही रहा था कि 2014 में इसका वैकेंसी आया है और मेंस का अभी भी इंतजार हो रहा है बच्चों का, और आज शाम में ही आपका खुशखबरी आ गया। अब देखना यह है कि अगले मंथ एग्जाम होती है या नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लग रहा है कि बिहार में अभी जो भी आपका आएगा वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार भाई साहब ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं। लास्ट लास्ट में वो अपना थोड़ा सा छवि बनाएंगे ताकि वो दोबारा फिर से आए, इसलिए बच्चों को यहाँ पे अभी तो फिलहाल नाराज नहीं करेंगे, उसके बाद फिर 5 साल देखा जाएगा। अब मोदी जी को टेंशन हो रहा है, भाई नीतीश तो निकल लेगा, मैं तो साथ दूंगा उसी का, लेकिन 2024 का मेरा थोड़ा सा प्लॉट खराब हो रहा है। तो देखो अब मोदी जी क्या सोचते हैं, नीतीश भाई साहब तो निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपका नोटिफिकेशन आ गया है, जो भी एसएससी है उसका इंटर लेवल का जो मेंस होना है वो 18/10/2020 को संभावित है। चलो कम से कम एक डेट तो आया, अभी तो हम लोग ये भी नहीं सोच पा रहे थे आखिर कब होगा एग्जाम, तो एक डेट आया है तो आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी मैं देख रहा हूँ, वो लोग पढ़ाई छोड़ दिए, वो लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। भाई नौकरी उसी का लगेगा, चाहे कितना भी कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, जो पढ़ाई कर रहे हैं। तुम अगर पढ़ाई छोड़ के घर में बैठे रहोगे, ये सोचोगे कि भाई मोदी जी आएंगे और मुझे नौकरी दे देंगे या नीतीश कुमार आएंगे मुझे नौकरी दे देंगे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, ठीक है। तो वो अपना एक चीज़ है, हम लोग किसी से नफरत या नहीं कर रहे हैं, ना तो मोदी जी से नफरत कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार से नफरत कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, हमारा बस एक मांग है कि जो भी चीज़, जो भी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, एक शेड्यूल्ड तरीके से हो, एक अच्छे तरीके से हो। बस हम लोगों का यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं कि हम लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, सब एक ही जैसा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सब के सब एक ही जैसे हैं। तो हमें ये रहना चाहिए कि अभी जो सामने में है हम उनसे बस मांग करें, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जो काम है, जो हमारा काम है पढ़ाई करना, मेहनत करना, तो उसको हम लोग कंटिन्यू जब तक नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है अगर वो टाइम पे हो जाए तो हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। फिर तुम लोग बोलोगे कि एग्जाम जल्दी ले लिया, डेट अनाउंस करने के बाद टाइम नहीं मिला, तो भाई ये सब एजेंडा अब नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है तो तुम लोग के अंदर थोड़ा सा एक एंथुसियाज्म आना चाहिए और जम के अपना तैयारी शुरू करो, ठीक है। जो थोड़ा सा ढील सील हो गया है, जो थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर हो गए हो, कमजोर नहीं उसको बोल सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि भाई मुझे अभी क्या, अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं होना है तो मैं क्यों पढ़ूं, तो वो सब अभी छोड़ो और अपने अंदर एनर्जी लाओ और कैंपेन के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जोर शोर से चालू रखो, ठीक है। चलो अब आज का इन्फॉर्मेशन ये था, अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि बिहार में कुछ और वैकेंसीज भी हैं जो आने वाले थे, जैसे आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है,
सीजीएल, बिहार सीजीएल, वो भी आना था। अब देखो वो कब तक आता है, उम्मीद है इलेक्शन से पहले ये भी आ जाए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई में जोर शोर से लगा दो जो भी बिहार वाले हो, ताकि इस बार आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया तो फिर दोबारा आपके लिए शायद ही ऐसा मौका दोबारा आए। ठीक है, चलो मिलते हैं आप अपने रेगुलर क्लास में।